अरे रुकिए रुकिए थोड़ा। हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार, मैं हूँ सोहित सोनी। तो कैसे हैं आप लोग, मैं आज आपके बीच आया हूँ। तो आज मैं अपने रूम पर हूँ जहाँ पर हम शूट करने आए हुए हैं, बहुत ही प्यारी वेब सीरीज शूट कर रहे हैं। कैमरा भी देखिए शेक हो रहा है, क्योंकि मैं कैमरामैन नहीं हूँ, मैं एक्टर हूँ, मैं एंकर हूँ, होस्ट हूँ। तो आज हम अपने रूम पर हैं और रूम पीछे से दिख रहा है, ये ऐसा मतलब दिया गया है स्वीट रूम कि जिसमें से आर पार चीजें दिखती हैं। अगर दो लोग हैं तो हम पर्दा भी लगा सकते हैं। तो मैं रूम को आपको रूबरू रूम से करवाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो सोहित सोनी के व्लॉग में प्यारी सी ऑडियंस का स्वागत है। तो आप लोग लाइक करें, सपोर्ट करें, और दूसरा जो वर्ड इंग्लिश वाला है जो मैं बोलूंगा नहीं आपके सामने, वो भी कर दें और घंटा भी बजा दें। थैंक यू। और आज हम लोग शूटिंग करने के लिए अपने रूम में पहुंच चुके हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये रूम है मेरा, हम जहाँ रुके हुए हैं, यानी मैं रुका हुआ हूँ और मेरे साथ एक को-एक्टर और भी रुकेंगे इसमें, क्योंकि दो बेड हमने लगवाए हुए हैं। क्योंकि हम लोग जहाँ भी रहते हैं साथ रहते हैं, कोशिश करते हैं साथ रहें। तो देख सकते हैं बहुत ही प्यारा नज़ारा है, बहुत ही प्यारा व्यू है, और ये यहाँ पर हम पढ़ाई कर सकते हैं। हालांकि हम पढ़ाकू तो नहीं हैं, तो यहाँ पर हम कुछ और करेंगे, वीडियोज़ बनाएंगे। बाहर का व्यू देखिए कितना प्यारा व्यू है। ये बनारस की गलियाँ हैं जहाँ पर हम पहुँचे हैं, गंगा आरती भी करेंगे, लेंगे आशीर्वाद गंगा माता का। और ये हमारा बहुत ही स्वीट प्यारा सा दो लोगों का बेड है। ये बेड भली दूर है, लेकिन हम लोग बहुत ही नज़दीक हैं, क्योंकि हमारी जो दोस्ती को हमें कई साल हो गए। हालांकि ये भी झूठ है, बट क्या कहते हैं, जब अच्छी चीज़ें करनी हो, प्यार बढ़ाना हो, तो कुछ प्यारे शब्द हमें हमेशा बोलना पड़ता है। और ये यहाँ पर चाय का इंतज़ाम हमने रखा है, हमने क्या होटल वालों ने रखा है, क्योंकि बहुत ही प्यारा होटल है। और इस होटल में हम लोग बहुत इंजॉय करने वाले हैं, हम बहुत दिन तक यहाँ रहने वाले हैं, क्योंकि हम कल सुबह निकल जाएंगे। तो मज़ा हमें पूरा लेना है, 10 दिनों का मज़ा लेना है। गद्दा बहुत स्पंचिंग है, ये देखिए ये बहुत दब रहा है। और ये तकिए देखिए, 2 तकिए हैं, और फ़ोन भी पड़ा है हमारे यहाँ पर। ये देखिए फ़ोन है, और फ़ोन पुराने ज़माने का है, तो जाहिर सी बात है एक लेटर पैड भी लिखा हुआ है, रखा हुआ है कि लिख सकते हैं आप। एंड ये बैग, और ये मैं, आप देख लीजिए मैं ही हूँ, ऐसा नहीं कि कोई दूसरा बंदा है। ये मेरे पास 11 है, 11 नहीं 12 है, मैं सब भूल गया, 11 तो मैंने बेच दिया बहुत सस्ते में। और ये, और बाथरूम का नज़ारा तो बहुत ज़रूरी है। बाथरूम के अंदर टिश्यू पेपर भी रखा हुआ है, जब किसी लड़की से ब्रेकअप हो जाए तो आप बाथरूम में अकेले में रो सकते हैं। तो आप मुझे ही देख सकते हैं मैं किस तरीके से एंजॉय कर रहा हूँ, मेरे चेहरे पे झुर्रियाँ आ रही हैं, क्योंकि मैं बहुत ना परेशान चल रहा हूँ भाई, क्योंकि लंदन तो है नहीं कि खुश हो जाऊँ। तो अभी तुम बनारस हैं। A few moments later. तो आज काशी विश्वनाथ जी के दर्शन हो गए हैं, और आज देखिए कितना प्यारा नज़ारा है, किस तरीके का यहाँ पे भीड़ उमड़ी हुई है, और सब यहाँ पर आए हैं दर्शन करने। और आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा नज़ारा है यहाँ का, और मैं आज यहाँ पर आ चुका हूँ घूमने के लिए। ये एक बार फिर से रूम का नज़ारा आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा स्वीट रूम है, बहुत ही प्यारा माहौल, जिसे हम कहते हैं कि गजब का माहौल है। ये देखिए टेबल है, इस पे हम पढ़ाई करेंगे, हालांकि बिल्कुल नहीं करेंगे, पर्दे खोल दिए हैं। बाहर का नज़ारा भी आप देख सकते हैं, वाओ क्या नज़ारा है। और अब मैं एक सेल्फी जोन में भी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, आप छोटी छोटी चीज़ें देखें कि एक एक्टर किस तरीके से दिन प्रतिदिन, कुछ उसका पक्का नहीं होता, कब वो कहाँ है, कहाँ नहीं है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। तो ये मैं हूँ, और देख सकते हैं कितना मैंने बॉडी वॉडी बना रखी है अपनी बढ़िया। तो बस ऐसी बॉडी का मेंटेन करने के लिए मैं, डाइट जो मेरा है वो ये है कि खाली पेट रहना, टेंशन बहुत ज़्यादा लेना, साथ ही चाय दबा दब पीना सुबह शाम के बजाय, हम दिन में 3 या 4 बार चाय पी सकते हैं, 1 बार में 2 चाय साथ पिए, तो ऐसी सेहत आपकी बरकरार रहेगी हमेशा। तो अगले वीडियो इसमें मिलेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे। फंबल तो हो ही जाता है भाई, एक्टर यार फंबल तो करना बनता है ना, हमारा फर्ज बनता है।
तभी तो जब एक्टर फंबल करता है तब जाके एक नया डायरेक्टर निकलता है, जन्म लेता है। तो हम फंबल जानबूझ के भी कई बार करते हैं कुछ डायरेक्टर की जिंदगी बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।